हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंद किशोर बैरागी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए नवयुवक। कहाँ जुड़ा रहे सर? जुड़ा मैं कह रहा हूँ, आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करें? एक चर्चा होती है जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट जी अपनी राय रखता है, और राय रखता है, और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि इनसे सवाल पूछता है। अच्छा भाई, मुझे तो बनना नहीं कोई हिस्सा विस्सा किसी का भी। भाई समाज को बैरागी जी आईना दिखाइए, आपका काम है ना, युवक को आप नहीं दिखाओ कौन दिखाए? दो मिनट लगेगा। मैं क्यों आईना, मैं शीशे वाला हूँ, आईना दिखा। दो मिनट लगेगा, दो मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। बताइए दिल्ली में हर बार जब बरसात होती है तो पानी क्यों भर जाता है बैरागी जी? यही मुद्दा है। इस बार भी पानी भरा कि नहीं भाई साहब? भरा, पानी बहुत भरा यार। कारण बताएंगे बैरागी जी प्लीज। देखिए पानी जो है 1970 से जगह ढूंढ रहा है, जहाँ जगह मिलती चला जाता है। अच्छा, दिल्ली में एमसीडी से हो गया भाई? नहीं नहीं नहीं, एमसीडी से नहीं है। नहीं, ये एमसीबीसीडी से है। जल्दी बोले। हाँ तो दिल्ली में पानी भरने की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि उसके जिम्मेवार दिल्ली वाले खुद हैं। कैसे भाई साहब, ये बताइए। देखिए सुन रहे हैं ना आप? सब सुन रहा हूँ। बताइए तो, जैसे पानी और बिजली का बिल सस्ता आता है भाई साहब? सस्ता आता है? हाँ बिल्कुल आता है सस्ता, फिलहाल तो आ रहा है। तो बिल जो है, जब बिल सस्ता आता है उस बिल को आदमी तुरंत जाकर भर देता है। बिल भर देते हैं आप? बिल्कुल भर दिया। हाँ बिल भर दिया। जब आपने बिल भर दिया तो बिल के अंदर क्या जाए? अब क्या जाएगा? मतलब सारा बिल भर दिया जाएगा तो बिल में से पानी पास होगा ही नहीं, और अगर पानी पास नहीं होगा तो पानी सड़कों पे जमा हो जाएगा, जैसे शहर में हो गया कुछ। समझ गया, बहुत जल्दी। गलत मत बोलिए आप। पूरी दिल्ली से कहना चाहता हूँ कि पानी जो है, हाँ उनको बिलों में जाने दे, बिल मत भरे, बिल मत भरे। ये गलत कौन है बिठा दे तुमने? ये गलत है। बैरागी जी हैं ये, कुछ कहना है आपको बैरागी जी से? मैं को कहना है वहाँ दुनिया के और इनका नाम क्या बैरागी जी? चोमू बवंडर। ये जो है आप चोमू बवंडर हैं? तू बवंडर। बस इस चर्चा को ही खत्म करेंगे। कैमरामैन प्रकाश लोशन के साथ मैं नंद किशोर बैरागी, मैं बउआ, और इनका नाम चोमू बवंडर। चोमू बवंडर, ए चोमू। हंस दिया अंत में बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी भी जुड़ी हुई है बरसात से ही। अच्छा, युगांडा के रमेश नगर से। वाव, इन्वर्टर की बैटरी के लिए हाँ। बारिश का पानी जुटाती स्पाइसी फंटो कहती है यू गाइस आर एफसी डॉकिंग। स्पाइसी जी एफसी डॉकिंग नहीं होता। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, मैं दो मिनट चाह रहा था, कई लोगों से मैं पूछ रहा था और लोगों को जागरूक कर रहा था कि हाइजीन जो होती है ना बड़ी इम्पोर्टेंट होती है भाई साहब। नाखून काटने चाहिए, दांत ब्रश करने चाहिए, बस इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बाल काटने चाहिए। हेलो, हाँ आप जी, मेरे को क्यों बता रहे हैं भाई? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इंसान ने बाल नहीं काटे हाँ जी तो फिर से धरती पर डायनासोर आ सकते हैं। बकवास बंद करो। मैं नहीं बकवास नहीं भाई, एक सेकंड मैं बताता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। एक सेकंड, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। जब इंसान धरती पर नहीं थे हाँ जी तो धरती पर क्या थे? चूहे थे। अरे यार, उसके अलावा बंदर थे? बंदर नहीं, उसके अलावा डायनासोर होते थे। वही डायनासोर ही बोला ना, अभी एग्जांपल दिया भी, फिर भी आप बोल रहे चूहे और बंदर। एक थे कि भाई मैं बता रहा हूँ, बाल नहीं कटे तो डायनासोर आ सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ, देखो अगर आप बाल नहीं कटाओगे तो बाल बढ़ जाएंगे, बाल बढ़ेंगे आपकी आँख के सामने आएंगे, आप बाइक चलाओगे आँख के सामने बाल आ गए, आप किसी को ठोक दोगे। सुनो हंसने की बात ही, कोई ठुक गया और आप हंस रहे हो, जैसे आप ठोकोगे सामने वाले से विवाद हो जाएगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, हो सकता है दो इंडिविजुअल की लड़ाई, दो कम्युनिटी की लड़ाई बन जाए। अभी तो तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। एक सेकंड मेरी बात सुनिए, और दो लोगों की लड़ाई, कम्युनिटी की लड़ाई, हो सकता है देशों के बीच दो लड़ाई हो जाए, जैसे अमेरिका और कोरिया एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, दो देश आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पे उठा उठा के परमाणु बम फेंक दिया, पूरी इंसानियत खत्म। और जब इंसान ही नहीं रहेंगे धरती पे, तो जब इंसान नहीं थे तो तब क्या थे धरती पे? डायनासोर। ये फिर आ जाएंगे भाई। भाई साहब गलत बोल रहे हैं भाई साहब, आपको ये हक नहीं दिया है मैंने। सुबह सुबह आप, मैं आप, मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत करिए, आप बाल कटाइए, डायनासोर से अपने धरती को बचाइए। आप 93.5 FM बउआ बजाते रहो। अंकिल नमस्ते।